But I am a doctor. जी आपको ट्रीटमेंट चाहिए? जी चाहिए. किस बात का ट्रीटमेंट? अब आपकी बीमारी क्या है? अरे मुझे भी आपसे प्यार हो गया है. ये हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है. हाँ चलो बिग बॉस सारे कंटेस्टेंट्स उसको बाहर कर दो और आप और मैं अंदर अंदर. हाँ चलो. समझ गई? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं. हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. स्वागत है आप सभी का एक और मेंस वीडियो में. तो हेडफोन लगा लीजिए एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए. मैं आपको बताऊं, सिंध में बनाना बहुत रहा है जी, लेकिन अगर यहाँ के जिम्मेदार थोड़ा सा खर्चा करें, रिसर्च करें, तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में छह केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है. अच्छा. और इसी तरह ढाका का केला, इतना लंबा केला है. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा. अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें. ठीक है, समझाते हैं. प्यारी समझ गई. Hi. Which country? I'm from Canada. Oh, you are very cute. तुम्हारे कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? Thank you. Where are you from? I am also from Canada. झूठ बोल रहा है. Oh really? Which city? City. ये फंस गया सी है. You which city? I'm from Nairobi. Wow, what a coincidence! I am also from Nairobi. और तू बोल रहे हो इतना झूठ? Are you sure? Yeah, I am 100% sure. अबे चूतिये, Nairobi ना अफ्रीका में है. अबे चूतिये, Nairobi ना अफ्रीका में है. Seven, action. एक मिनट. ये अमीर की गाड़ी है. मतलब मेरी गाड़ी. आए हाय, ये गरीब की गाड़ी है. मेरी गाड़ी इसको देख के उल्टियां कर रही है. अमीर बनो भोसड़ी वालों, शाहिद भाई का कोर्स करो, अमीर बनो. असल में रिक्शा आ गया. मैं भी गरीब हूँ भोसड़ी वालों, अमीर बनो. हाय हाय, इतना सुकून. हम शुक्रिया अदा करते कि हमको लड़की नहीं बनाया. क्यों? तो क्या हुई? क्यों है? यार बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाए. सर फोड़ दूंगी. रुको जरा, आप लोग की लाइफ सही में बहुत स्ट्रगल है. अजीब लगता होगा आप लोग को खाली खाली सर ऐसे. गजब बेइज्जती है. अरे ओ भाई, तुम मिल मुझे. खाली खाली रहता है, हल्का होता है, उसका बैलेंस बनाने के लिए बड़ा बाल रखती है सर. वो आयशा है, वो मेरी जान है. मैं आयशा को लेने जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान. अभी मेरे पास पासपोर्ट वीजा सब फॉर्म है, आपको दिखा देता हूँ अभी मैं. और मैं उनसे निकाह करने जा रहा हूँ और उनको अपनी बेगम बना के बॉम्बे वापस लेके आने वाला. अच्छा. आयशा के साथ आपकी मुलाकात कैसी हुई और ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? जी देखिए, जब से उनका वीडियो वायरल हुआ है लता जी का, जब से मैं उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए. आप ये कह सकते हैं मैं बहुत पागल हो गए हैं. और मैंने ठान लिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत मुझे रोके, मैं आयशा से निकाह करके लेके आऊंगा. इसलिए मैंने उनको मेहर 15 लाख रुपए देने का. यही नहीं, अभी और सुनिए, देने का भी फैसला किया है. जो आपको पता होगा मुस्लिम समाज में मेहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जो मेहर एक्चुअली जो भी जो लड़की होती है उसकी सेफ्टी के लिए एक अमाउंट होता है कि इनकेस खुदा ना खास्ता कभी आप लोग अगर अलग होते हैं तो उसकी सेफ्टी अमाउंट होता है, जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको तय करते हैं. तो मैंने वो 15 लाख रुपए देने का आयशा को फैसला किया है. वो 15 लाख रुपए मेहर के. अबे साले, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कैसे कैसे चूतिया लोग रहते हैं यार यहाँ पर. हाय. Where are you from? I am from India. Oh, I am also from India. Which state? Delhi. By the way, my name is Zara. आपका नाम क्या है? Zara. भाई यार काफी branded लड़की हो तुम तो. अरे नहीं यार.
किस चीज की स्टडी कर रहे हो? जारा लड़की से कैसे प्यार कर? यार जारा में चूत में बहुत खुजली हो रही है। क्या बोला तूने? क्या खुजा दिया यार? ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये। सबसे जरूरी है सभ्यता, आपकी बातचीत की एक तमीज होनी चाहिए। संस्कार की कमी हो गई है, संस्कार बिल्कुल गायब हो गए हैं। और संस्कार देखिए बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को कह रहे हैं तेरी माँ का शाबाश। ये मेरी दो बेटियां हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब करती है, दूसरी बीए में पढ़ रही है। मैं इनकी शादी करना चाहता हूँ, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इनसे शादी करो। जो जो शादी करेगा मेरी लड़की से उसको मैं 5 लाख रुपया और जो शादी में खर्चा होगा वो भी शादी में करूंगा। चल 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 चल। रॉन्ग साइड से कौन आ रहा था? रॉन्ग साइड से कोई भी आए, अच्छा हमें सतर्क रहना है, हमारी गलती है मतलब सारी। सो दिस वन इज फॉर आवर टॉक्सिक फ्रेंड। भैया गौर फरमाइएगा, कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो मादर चोद और कुछ महा मादर चोद। वाह दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। डॉक्टर साहब एक टाका एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, वो पिछली डिलीवरी के बाद कुछ ढीला रह गया था। क्या बोला तूने? मेरे शौहर शिकायत कर रहे थे। एक बार पुलिस वाला जंगल में जाता है, उसे एक लड़का मिलता है। पुलिस वाला कहता है हाँ भाई क्या कर रहा था? वो लड़का कहता है बांसुरी बजा रहा था। पुलिस वाला थोड़ा और आगे जाता है, उसे एक लड़का और मिलता है, तो कहता है हाँ भाई तू क्या कर रहा था? तो कहता है जी बांसुरी बजा रहा था। जब वो पुलिस वाला थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसको एक लड़की मिलती है। पुलिस वाला कहता है हाँ भाई तू भी बांसुरी बजा रही थी? वो कहती है नहीं मेरा ही नाम बांसुरी है। पूरा सुन लो, रुको जरा सबर करो। लड़की के हाथ में भी बांसुरी थी। है क्या सोचे भाई साहब? क्या पापा कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए तो आपकी ट्यूशन मैं ही लूंगी कुछ दिनों के लिए। बढ़िया जी बढ़िया, चलो निकालो अपने बुक्स। लेकिन मेरे पास तो नहीं है बुक। अबे साले बुक्स की बात कर रही है। ये क्या शिवा लव लेटर लिखा है तुमने? किसको? इस पे तो किसी पायल का नाम लिखा है। ओ पायल छनकेगी, मुझे तो लग रहा है इस बार पायल बजेगी। बेबी पासम हम पूरे 21 आवर से नहीं मिले। बेबी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये तो बताओ। हाँ बहुत ज्यादा करती हूँ पासाओ। पहले बताओ। अरे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ अब पासा। तू क्या देख रहा है? गर्लफ्रेंड है तेरे पास? काफी सीरियस है। वैसे सदमा लगा कैसे? डॉक्टर साहब पद्मा को सदमा सफेद बालों की वजह से लगा है। एक ही रास्ता है, बताइए ना डॉक्टर। एक ऐसा राज बताना होगा जिसे सुन के इन्हें और बड़ा सदमा लगे, वरना डॉक्टर पद्मा उस दिन मैं तुम्हारी छोटी बहन के कमरे में गलती से नहीं बल्कि जानबूझ के गया था। बहू आज तक तुम्हें जो कहने दिए ना वो सब नकली है। मम्मी मैं रोज स्कूल में बत्तख खेलने जाता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी कुछ करिए। मैंने हमेशा मनी मन तुम्हें अपनी अर्धांगी नहीं माना है पदू। पत्तू सुना आपने? नेहा हर्बल कलर क्रीम सिर्फ 15 रुपए में। क्या? आइए कुदरती काले बाल सिर्फ 15 रुपए में।